टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। एक कुएं में एक मवेशी को बचाने के लिए 5 लोग उतरे और 5 की मौत हो गई है। मौत का कारण जहरीली गैस बताई जा रही है। मामला यूपी के गोंडा का है। कोतवाली नगर के महाराजगंज चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित राजा मोहल्ले में कुएं में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फ़ोन लाइन पर गोंडा से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हामिद अली। हामिद अली जी, बताइए कैसे ये हादसा हुआ, कैसे 5 लोगों की मौत हुई है, क्या जहरीली गैस की वजह से इन 5 लोगों की मौत हुई है? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे खान साहब के हमारे गोंडा में, ये शहर में है, महज महाराजगंज पुलिस चौकी से 200 मीटर दूरी पे महाराजगंज राजा मोहल्ला है, जहाँ एक मंदिर है और एक विशाल पेड़ है पुराना, उसी के साइड में एक कुआं था। उसमें एक गाय का बच्चा गिर गया, जिसको निकालने के लिए एक आदमी उठा, उसके बाद देखते बच्चा निकाल लिया गया, उसके बाद और लोग उसी में गए, उसको उस आदमी को निकालने के लिए। गैस की होने की वजह से उसमें जो है रिसाव हुआ, उसमें जो है जब एक के बाद एक डूबते गए उसमें और धंसते गए, इसके वजह से 5 लोग की मृत्यु हो गई। निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम को 5 लोगों को निकाल लिया गया, 5 लोगों के शव को कुएं से बाहर निकाल लिया गया है क्या? जी हाँ, 5 लोग के सबको बारी बारी से निकाला गया, किसी में 2 निकले, किसी के साथ में एक एक करके निकले और सभी लोगों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, वहां पे डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। किसी अधिकारी से बात हो पाई है आपके, क्या शासन प्रशासन के तरफ से मृतकों के परिजनों को किसी तरह की कोई उनकी सहायता मदद की जाएगी? हाँ, डीएम द्वारा कहा गया है कि परिजनों को मतलब जो लाभ होता है मृतक के वजह से उसको लाभ दिया जाएगा, और डीएम नितिन बंसल ने इसकी घोषणा की है। क्या कहा है नितिन बंसल ने, क्या कहा है पूरे मामले पे? गोंडा के डीएम नितिन बंसल ने कहा है कि वहाँ 5 लोग की दर्दनाक मौत हो गई है कुएं में डूबने से, जहरीली गैस से। उसके बाद वे वहाँ पे जिला चिकित्सालय पे सब लोग मीडिया कर्मी हम लोग भी थे, वहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पे जो भी इनको मदद दी जाएगी अपने प्रशासन तरफ से और वही मुहैया किया जाएगा, और उनके साथ संवेदना है पूरी तरीके से परिवार के साथ। परिवार वालों का रो रो के बुरा हाल है, घर पे कोहराम मचा हुआ। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये तो हामिद अली थे जो पूरी जानकारी गोंडा से दे रहे थे। वही कुएं में उतरे ये 5 लोगों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई है, और सूचना मिलने पर नगर निगम दमकल कर्मचारी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और 5 शवों को कुएं से बाहर निकाला गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, और डीएम नितिन बंसल ने इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दी है सुनिए। सर, गोंडा में अभी 5 लोग की डेथ हुई है, क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ था? मामला एक दुर्घटना संज्ञान में आई है, जिसमें राजा मोहल्ला थाना कोतवाली नगर महाराजगंज के अंतर्गत एक बछड़ा जो एक कुएं में गिर गया था, उसको बचाने के लिए एक शख्स उसमें उतरे थे। वो बछड़े को उन्होंने बाहर निकाल दिया, परंतु वो जब बाहर नहीं आए तो उसको बचाने के लिए एक और व्यक्ति अंदर कुएं के अंदर गए और एक एक करके उसमें 5 व्यक्ति उस कुएं के अंदर गए थे। तत्काल जानकारी होने पर वहाँ पर पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका और हमारे मजिस्ट्रेट वहाँ पर पहुँचे थे। उन 5 लोगों को उस कुएं से बाहर निकाला गया और यहाँ पर जिला चिकित्सालय में उनको लाया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया। 5 की उम्र 18 साल से ज़्यादा है, इसमें 4 लोग भारी बिरादरी के हैं और एक सैनी बिरादरी के हैं, और इन सभी का अब आगे विधिक कार्रवाई कराई जा रही है, और इसमें जो आगे इनको परिवारों को जो भी सहायता दे होगी वो भी मुहैया करेगी।